गाजा के खान यूनिस में इजरायली सेना ने अलशिफा अस्पताल पर भीषण हमला किया था, जिसमें आईडीएफ ने हमास के कई लड़ाकों को मार गिराने का दावा भी किया था। लेकिन अलशिफा पर हमले में हमास के लड़ाके भी इजरायली सेना को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और इसी कड़ी में अलशिफा अस्पताल के पास हमास के लड़ाकों और इजरायली सेना के बीच भीषण भिड़ंत हुई है। दरअसल हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड के लड़ाकों ने आईडीएफ के मेरकावा टैंक पर यासीन 105 एंटी टैंक आरपीजी रॉकेट से हमला किया है। ये हमला तैल अल हवा के पश्चिम में हुआ है और अल कासिम के अलावा अल कुद्स के लड़ाकों ने भी पश्चिमी खान यूनिस में घुसपैठ कर रहे इजरायली सैनिकों पर मशीन गन और एंटी टैंक गोलों से हमला किया है। ये हमला अल हिलाल अल कादीम स्ट्रीट पर हुआ है। इसके अलावा अल शिफा अस्पताल के पश्चिम में अल अराइशा में इजरायली टैंक के ऊपर एक आरपीजी गोला भी दागा गया। अल कुद्स का कहना है कि उसने यहां पर इजरायली सेना के जमावड़े पर 60 mm मोर्टार गोलों से हमला किया है। अल कुद्स का कहना है कि उसने अल शिफा अस्पताल के दक्षिण में अबू सौद के आसपास इजरायली सेना के वाहन पर एक गाइडेड मिसाइल भी दागी है, जिससे आईडीएफ को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। इसको लेकर अल कासिम ब्रिगेड ने एक वीडियो भी पब्लिश किया है, जिसमें उसके लड़ाके रॉकेट और गोले दागते हुए दिख रहे हैं। अल कासिम ने अपने इस वीडियो में दावा किया है कि उसने इजरायली सैनिकों पर शॉर्ट रेंज रॉकेट भी दागे हैं। आपको बता दें कि अल कासिम ब्रिगेड का ये भी दावा है कि उसने नहाल और सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स में इजरायली सेना के लॉजिस्टिक्स और सिक्योरिटी फैसिलिटी पर हमला किया है और हमास के इन हमलों को देखते हुए अब इजरायली सेना के गाजा में ऑपरेशन पर कई सवाल उठ रहे हैं। कई जानकारों का मानना है कि इजरायली सेना अभी तक हमास को कमजोर नहीं कर पाई है, बल्कि हमास आईडीएफ पर जवाबी हमले और ताकत से कर रहा है। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा।